और वो अंदर आदमी भी चला जाता है, ऐसे दो तीन किस्सा बन भी गया है इसमें, और बिल्कुल गटर बंद नहीं रही है, ना साफ हो रही है, क्या उसको इतना भरा हुआ है कि आधा फीट भी गटर खाली नहीं है। कहाँ से आए हो, गटर से आए हो क्या? तो हम लोग सर को बोलते हैं, सर यहाँ हमारे इधर कीचड़ हुआ है, तो सर को पूरा कपड़ा खराब हो जाता है। महानगर पालिका से मेरा यही निवेदन है कि यहाँ पे हमारे लिए सड़क बनाए। और मैं जब उड़ता है तो छोड़ छोड़ भागना पड़ता है, घर में पानी मिल जाता है, पूरा घरपट्टी वसूल करता, पण आमच्या नाल्याची सफाई कधी होत नाही, गटर सफाई पण होत नाही, तर तुम्ही का म्हणून करत? म्हणजे आमच्याकडे पैसा नाही, मग पैसा नाही तर तुम्ही ते 8.5 करोड रुपये टप्पा दोन वाल्यांना कसले दिले? आणि भिवंडी निजामपूर शहर महानगर पालिका की लापरवाही के कारण कई सारे परिवारों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। महज एक घंटे के बरसात में पूरा घर पानी में डूब गया। इलाके के लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर आसरा लेना पड़ा, लेकिन भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की कुंभकर्णी नींद तभी भी नहीं टूटी। दरअसल भिवंडी के नारपोली 72 गाला इलाके से गुजरने वाला नाला बेहद बुरी हालत में है। इस नाले में साफ सफाई कई सालों से नहीं हुई है, जिसकी वजह से यह नाला पूरी तरह से जाम है। बरसात में नाले के ऊपर से पानी गुजरता है, जिसकी वजह से लोगों के घरों और होटलों में पानी घुस जाता है। ना चाहते हुए भी लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ता है, लेकिन भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका को इसकी कोई फिक्र नहीं है। हाँ, बुरा था पानी, अब छोड़ छोड़ मैं जब बुरता है तो छोड़ छोड़ भागना पड़ता है, घर में पानी हिल जाता है। कैसा पानी होता है? पानी सब बहुत कचरा पानी आता है, बाथरूम वाथरूम का नाला बहा के सब गिर जाता है। बहुत दिक्कत होती है? हाँ, बहुत दिक्कत होती है, बच्चे लोग का पढ़ाई भी बंद हो जाता है। नर्मदा नगर इलाके में रह रहे लोगों का कहना है कि यहाँ पर गटर की सफाई नहीं होती है, ना ही नाले की सफाई की जाती है, जिसके वजह से दुर्गंध और कीचड़ जैसे माहौल में रहना पड़ता है। महानगर पालिका यहाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ के नगर सेवक का कहना है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, जिसे देखते हुए लोगों के मन में गुस्सा फूट रहा है। बारिश हुआ था, फिर घर में पानी घुस गया था, आदमी कहाँ जाएंगे? तावड़े साहब बोलेंगे बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, अभी तक बन नहीं रहा है। 7-9-10 साल से ही चल रहा है ऐसे ही, हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? कितना बड़ा नाला है ये? 15 फुट का है, पूरा बाहर आता है पानी, पूरा पानी पूरा बाहर आता है, पूरा भरा हुआ है, एकदम भरा हुआ नाला है। पानी अचकू बारिश होता है सब ऊपर पानी जाता है, सब ऊपर से भर जाता है, पूरा भर जाता है, आने जाने के लिए हर चीज के लिए दिक्कत है। जब हमने यहाँ के माजी नगर सेवक प्रकाश टावरे से बात की तो उनका कहना है कुछ और ही था। उन्होंने बात करते समय बताया कि यहाँ पर काम की शुरुआत की गई थी, लेकिन वह काम अधूरा रह गया, महानगर पालिका निधि देने में सक्षम नहीं है। उनका कहना है कि हमारे पास निधि नहीं है, जबकि नगर सेवक प्रकाश टावरे ने इस काम के लिए कलेक्टर तक भी मांग की थी, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की निधि नहीं मिल रही, जिसके वजह से यह पूरा काम रुका पड़ा है। जेके डैम तक का नाला है बिल्कुल भरेला है, उसमें जरा भी पानी जाता नहीं है, बारिश में पूरा 4-4 फीट पानी ऊपर आता है, ना आदमी आ सकता है ना जा सकता है, और सबका माल मलिरा नुकसान होता है, घरों में पानी घुसता है, स्कूल का रास्ता है इसमें ही है, बच्चे लोग पानी में चल के आते, कभी कोई जा नहीं पाते, और वो अंदर आदमी भी चला जाता है, ऐसे 2-3 किस्सा बन भी गया है इसमें, और बिल्कुल गटर बंद नहीं रही है, ना साफ हो रही है, क्या उसको इतना भरा हुआ है कि आधा फीट भी गटर खाली नहीं है, अभी रनिंग में भी पानी ऊपर से जाता है, क्या कोई सुनवाई हो नहीं रही है, कोई देखता ही नहीं है यहाँ, महापालिका भी कोई देखता नहीं है यहाँ, और मेरे को खुद को यहाँ गटर पे गिरा था मैं, मेरे को इधर ताका आया है, क्या ये टाका आया है 15 दिन पे बेड रेस्ट पे था, कमर पे, कोई सुनवाई नहीं है, कोई है नहीं इधर। यही नहीं, माजी नगर सेवक प्रकाश टावरे ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा है कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त निधि दिलाने में सक्षम नहीं है, सिर्फ टक्केवारी का क्या धंधा चल रहा है, हमारे वार्ड में देने के लिए महानगर पालिका आयुक्त के पास निधि नहीं है, और जगहों पर वह बराबर निधि दे रहे हैं। हमारे यहाँ के लोग
टैक्स देते हैं तो यहाँ पर निधि क्यों नहीं मिल रही? आखिरकार यह टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? ऐसा बड़ा सवाल प्रकाश टावरे ने किया है। नर्मदा नगर नाला हा आज पर्यंत बहत्तर गाळ्यापर्यंत साफ झाला नाही आणि प्रत्येकाच्या घरात हमेशा पाणी जात असतो। गणपतीचा सण असतो तेव्हा पण तिथे पाणीच पाणी भरलेला असतो। दोन वेळा तर उपायुक्त झिंझाड दीपक झिंझाड यांना बोलून घेतला, गाडे मॅडम यांना पण बोलून घेतला, बोले होईल होईल, पण ते काय साफ होत नाही। आता पुन्हा मी तीन दिवस पहिले आयुक्तांकडे गेलो का तुम्ही पूर्ण घरपट्टी वसूल करता पण आमच्या नाल्याची सफाई कधी होत नाही, गटर सफाई पण होत नाही, तर तुम्ही का म्हणून करत? बोलते आमच्याकडे पैसा नाही। मग पैसा नाही तर तुम्ही ते 8.5 करोड रुपये टप्पा दोनवाल्यांना कसले दिले आणि पूर्ण घरपट्टी नारपोली विभागांमध्ये 100% वसुली आहे, मग तो पैसा जाते कुठं? खाली तुम्ही पगारच घेणार, कामगारांना पैसे पगार देणार आणि कामं कोण करणार? या कामामुळे सर्व लोकांचं 5-5 फुटं पाणी भरून ना सर्व नुकसान होतो। नुकसान कोण देणार आहे? महापालिका याला जबाबदार आहे। महापालिकेने काय करावं? मी दलित वस्तीमध्ये 5 करोडची कामं कलेक्टरला पाठवली होती। आयुक्तांची जबाबदारी नाही आहे। आयुक्तांनी जर जबाबदारीने कलेक्टरशी बोललं असतं तर ते निधी आपल्याला भेटली असती, पण आयुक्तांना ते करता येत नाही। मग हे फक्त टक्केवारी घेण्यासाठी आलेले आहेत का? नाला असा आहे का 6 फूट खोल आहे आणि 4.5 मीटर रुंद आहे, पण त्या रुंदीमध्ये पण तो पाणी जाण्यासाठी ज्याचं तर बघितला तर नाला व्यवस्थित बांधलेला असून सुद्धा त्याची सफाई केली जात। जर यांनी असं याची सफाई केली नाही तर मी तर मोर्चा करण्याच्या विचारात आहे। ब्युरो रिपोर्ट, स्पीड न्यूज, भिवंडी।